इंतजार करना है, पेशेंस रखना है, ओके। काम सबको हो सकते हैं, पापा को भी हो सकता है, बहन को भी हो सकता है। मैम के पास तो बहुत ज्यादा काम है, पापा के तो 3 बच्चे होंगे, मैम के तो कितने बच्चे, अभी आपने बताया ना 200-300 बच्चे, समझ गए। तो अब इसके बाद आप देखो कि जो आपका पहला रेड लाइन है, पहला जो सीढ़ी है, जो मैंने अभी बताया था प्रेम बाड़े पुल, अगर हम बात करें तो जो पहली सीढ़ी है वो कौन सी होगी आपका इस टारगेट को जाने वाली, पहला स्टेप कौन सा है, जोर से बोलो कौन सा है। हार्डवर्क तो बात की बातें हैं, पहला सीढ़ी कौन सी है, स्टेप अभी मैम ने भी बताया था, कौन से में, छठी में, तो फिर पहली सीढ़ी कौन सी आपकी, नाइन्थ तो नहीं आ रहा किसी के दिमाग में, वो ट्रेन छूट गई है बेटे, वो नाइन्थ वाली ट्रेन छूट गई, उसको आप सुधारने की बात करोगे नहीं होगा, तो ये टेंथ है, ओके। तो आप सबसे पहले हम लिखेंगे टारगेट फॉर क्लास टेंथ CBSE एग्जाम, लिखो बेटा आप भी लिखो बड़ा बड़ा, अपनी कॉपी में नेक्स्ट नीचे दो लाइन छोड़ के लिखेंगे टारगेट फॉर क्लास टेंथ CBSE एग्जाम, जल्दी से लिखो। इसको ये लिखना है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी मम्मी अड़ोस पड़ोस में जब जुलाई में इस बार जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, आप चाहते हो कि मेरी मम्मी बोले कि मेरी बेटी के इतने नंबर आए, तो कितना बोलना चाहते हो आप वो बोलो, जो आप कहोगे वही होगा, जो मैं कहती हूँ वो 100% होता है, और अगर कोई कहता है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जिंदगी किसकी है बेटे, इनका नाम बताओ, आपका नाम नेहा बेटे, जिंदगी किसकी है, तो दूसरों की जिंदगी में क्यों दखल दे रहे हो, बिल्कुल नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं भाग लूंगा यहां से। केवल भी कहा था ना जिंदगी किसकी है, तो फिर अपने से बात करो, दूसरे से बेटा कोई और बोल दिया ना मत लिखना उसको, क्योंकि वो नहीं होगा, फिर जो आप कहोगे वही होगा, जो दूसरा कहता है वो नहीं होता, इसका प्रूफ दूंगा मैं भी आपको, जो मैं कहती हूँ वो 100% होता है, जो कोई और हो कहता है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका प्रूफ आप खुद भी देखें, खुद भी जान सकते हैं। तो लिख दिया, कितना लिखा आपने, वेरी गुड, आपने कितना लिखा बेटा, इनकी कॉपी में लिखो कितना लिखा आपने बेटे, बताओ जल्दी से कितना लिखा, अरे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। जो आप लिखोगे वही आएगा, पक्की बात है ये, दूसरे से देख के मत लिखना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं होने वाला, फिर नहीं आने वाला, जो स्वयं कहोगे वही होगा। बेटा आप तो फिर मैं अगली बार में या तो मैं बाहर चला जाऊंगा या फिर अपने से बात करिए ना, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत पाप कहते हैं इसे। तो लिख दिया, जैसे आपने कितना लिखा बेटा, 95% यहां 95% लिख दिया आपने, लिखा है 95, इधर कितना लिखा है 96 भी दिखा था किसी, 98 लिखा था, 99%, वेरी गुड, मैं लिखता था 75%, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अपने हिसाब से जितना मैं कर सकती हूं उस हिसाब से मैं लिखूंगी, ठीक है। लिख दिया, कितने सब्जेक्ट है मेरे पास, लिखो जल्दी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले हिंदी लिखे मैम आप, हिंदी देन इंग्लिश, यहां टाइप कौन कर रहा है जल्दी से, मैथ्स साइंस सोशल साइंस और संस्कृत, 20 नंबर किसके हाथ में है, हमारे नहीं बेटे, किसके हाथ में है, मिल जाएंगे आपको 20 नंबर किसके हाथ में है, पक्का प्रूव कर सकते हो, कौन कर सकता है, कोई भी बच्चा कि 20 नंबर मेरे हाथ में है, मैं देखूंगी कैसे, हाँ बोलो बेटा, हाँ अच्छा ये बताओ मैथ्स में या साइंस में 20 में से कितने ले आओगे, बोलो 20 में से कितना कितना ले लोगे आप,
जो आपके हाथ में है, बताओ जल्दी से, ये ले जाओ। कशिश दौड़ के आओ, भाग के देखें कितना तेज भागते हैं। हाँ ये शाबाश, गुड। 20 से कितने नंबर ला सकते हो साइंस में? 15। हिसाब दो, हिसाब बताओ जरा, इसमें से इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, हिसाब दीजिए। 5 नंबर पोर्टफोलियो के। वेरी गुड, बना दिया है? हाँ, सबमिट कर दिया है? हाँ, साइंस की मैडम है यहाँ पर, दे दिया। चलो 5 नंबर पक्के, वेरी गुड। और 5 नंबर हमारे मतलब कॉपी के। कॉपी के, आज कॉपी लाए हो साइंस की? यस। चेकिंग कल तक की है या 5 दिन पहले की है? नहीं, कल ना मेरा थोड़ा सा काम आया था तो मैं चेक नहीं करवा पाई थी। कल मैंने कॉपी चेक करी थी मैम ने, और आपके मिस हो गई, तो आपको लगता है 5 मिलेंगे कि 4 मिलेंगे? जल्दी बताओ। 4 मिलेंगे। 4 मिलेंगे, तो कितने हो गए? 9 नंबर। आगे बताओ, एक नंबर मिस कर दिया ना आपने, वो मैडम के हाथ में चला गया ना, ऐसे नहीं करना था। हाँ चलो आगे। टेस्ट के, टेस्ट में पीरियोडिक टेस्ट, उसमें कितने नंबर? 25 आए थे। कितने में से? 40 में से, और तो इसमें सेकंड क्रेडिट में है ना, तो 40 में से 25 आए, तो फिर 5 में से कितने लगेंगे? 5 मिलेंगे? 3 मिलेंगे। चलिए, तो कितने हो गए? 12 नंबर हुए, और अभी 3 नंबर हो रहे हैं अभी, जो आपने 15 का सब बहुत अच्छा हिसाब बता रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। आप 3 नंबर कहाँ से लोगे? आप किसमें से लोगे? प्रोजेक्ट वगैरह कुछ है? पीरियडिक में तो 5 में से ही मिलेंगे, जो भी पीरियडिक लिए। क्लास इंटरनल। हाँ, तो उसमें कितने मिलेंगे? 3 नंबर ले लोगे ना? हाँ। चलिए वेरी गुड, तो एक बच्चा ताली बजाओ, नाम बताओ अपना। पलक। पलक के लिए ताली बजाओ, वेरी गुड, शाबाश। उसने हिसाब दे दिया पूरा, तो ये प्रूफ है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से नंबर मिलने हैं, अब वो जो एक नंबर छूट गया, पलक आप चिंता नहीं करना, आपके पीरियडिक में भी 5 पूरे आ जाएंगे। क्यों? कि इस पीरियडिक के छोड़ेंगे अभी, अभी 2 और होने हैं ना आपके, उसमें पूरे पूरे खींचना। जैसे मान लीजिए आपका 20 नंबर का टेस्ट पेपर आता है, अगर उसमें आपके 17 आ गए तो कितने मिल जाएंगे? अगर आप 17 भी ले आए 20 में से, तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो 17 से नीचे नहीं लाने, बस अब ये कोशिश करनी है, तो उनमें से लग जाएंगे आपके। ठीक है बेटा? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखा आपने कॉपी के नंबर, पलक के एक नंबर कहाँ चला गया था? मैम के हाथ में चला गया। वो जाने नहीं देना। किसके बच्चे हो? मैम के। मेरे बच्चे कौन कौन है? स्मार्ट, स्मार्ट बनो। यानी ये कॉपी मंगाए, ये माने टीचर्स कॉपी मंगाए ना मंगाए हमको, अरे क्या कह गया, ये कॉपी मंगाए ना मंगाए हमको कॉपी, ये चेक करे ना करे हमको कॉपी चेक, क्योंकि जिंदगी किसकी है और मुझे वो कहाँ ले जानी है जहां मैंने लक्ष्य रखा है, और वो ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहीं भी कोताही नहीं बरतूंगी, आलस से नहीं होना है बिल्कुल, क्योंकि आलस से अगर है तो विद्या ग्रहण नहीं हो सकती। आलस से कटो विद्या, से कटो धनम, और धनस से कटो मतम, और विद्य से कटो सुखम। तो अगर आलस है तो आलस से कभी भी विद्या अर्जन नहीं हो सकता।